हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका नौशाद सर और आज हम लोग इंग्लिश क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। नेचर आल्सो लव्स चिल्ड्रन, नेचर प्रकृति भी बच्चों को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब्ड है तो कोई बात नहीं है। नेचर आल्सो लव्स चिल्ड्रन, प्रकृति भी बच्चों को प्यार करती है। कैसे, इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसको आप याद करना है। इसका मीनिंग आप डिक्शनरी से देख लीजिए और फिर भी आपको नहीं मिलता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग लेसन शुरू कर रहे हैं। देयर लिव्ड ए जायंट इन ए फार ऑफ लैंड, वहाँ एक जायंट रहता था, दैत्य राक्षस जो भी आप कह सकते हैं, जो बहुत बड़ा महाकाय होता है उसको जायंट कहते हैं इंग्लिश में। तो एक राक्षस रहता था। He lived in a big house overlooking a very beautiful garden. वो जो एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन की रखवाली करता था और वहीं पर एक बड़े से घर में रहता था। There were lots of trees, flowers and soft green grass. वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, फूल और हरे हरे घास। The birds sat on the trees and sang sweetly. चिड़िया बैठ जाती थी और गाना गाते रहती थी, पेड़ों पर बैठकर गीत गाते रहते थे। एवरी आफ्टरनून आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले इन द जायंट्स गार्डन, और हर दिन दोपहर में बच्चे स्कूल से आने के बाद से उसके गार्डन में जाकर खेलते थे। दे फेल्ट रियली हैप्पी, वो बहुत खुश होते थे। वन डे द जायंट हु हैड बीन अवे, एक दिन जब जायंट कहीं दूर गया हुआ था, कम बैक वापस आया एंड फाउंड द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, और देखा कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे थे। What are you doing here? Growled the giant. तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? Giant ने गुस्से से कहा। The children got scared and they ran away. बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और वहां से भाग गए। The giant said, This is my garden. I will allow no one to play in it. Giant ने, दत्त ने कहा कि ये मेरा बागीचा है, मैं यहाँ किसी को खेलने नहीं दूंगा। He built a high wall around the garden and put a board. उसने गार्डन के चारों तरफ एक बड़ा सा दीवार बना दिया और उस पे एक बोर्ड लगा दिया लेकर। Trespassers will be prosecuted. जो भी इसमें अंदर आएगा, मतलब इस दीवार के अंदर आएगा बिना पूछे बिना इजाजत के, तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा या उसको सजा दिया जाएगा। Now the children had nowhere to play. अब बच्चों के पास कोई खेलने की जगह नहीं थी। स्प्रिंग केम ऑल ओवर द कंट्री, फिर मौसम बहार, बसंत ऋतु पूरे कंट्री में आ गई, पूरे देश में बसंत ऋतु आ गई। द गार्डन ऑफ द जायंट स्टिल हैड विंटर, लेकिन जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर शीत ऋतु थी, सर्दी का मौसम था। द बर्ड्स डिड नॉट सिंग बिकॉज देयर वेर नो चिल्ड्रन, और चिड़िया भी वहाँ गाना नहीं गाती थी क्योंकि वहाँ कोई बच्चा था ही नहीं, कोई बच्चे नहीं जाते थे। The trees forgot to bloom, और पेड़ खिलना भूल गए थे, मतलब नहीं खिल रहे थे। The garden was covered with snow, और गार्डन पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। The giant kept waiting for the spring to come, but it never came, nor did summer. जायंट जो था राक्षस, वो स्प्रिंग का इंतजार करते रहा, पतझड़ गए, वसंत ऋतु का इंतजार करते रहा, लेकिन नहीं आया और न ही समर आया, गर्मी का भी मौसम नहीं आया। He is too selfish, said Autumn. फिर ऑटम ने कहा, पतझड़ ने कहा कि ये बहुत ही सेल्फिश आदमी है, बहुत ही स्वार्थी है, बहुत ही खुदगर्ज है। One morning, the giant saw that the children had crept in through a little hole in the wall. एक सुबह जब giant देखता है क्या है कि बच्चे जो है अंदर एक छोटा सा होल दीवार में था, उससे रेंगते हुए अंदर आ गए हैं। He could see that there was a little child on every tree, और फिर वो देखा कि हर पेड़ पर एक छोटा बच्चा था। The trees were so glad to see the children again that they covered themselves with bloom and started waving their arms gently above the children's head. फिर पेड़ जो थे इतने खुश थे, ये राक्षस देख रहा था कि वो फिर से दोबारा से खिल गए थे और अपने हाथ को बच्चों के सर पे फेर रहे थे। The birds were flying about the trees, twittering with delight. चिड़िया
सारे पेड़ों पर उड़ रही थी, चहचहा रही थी, खुश होकर इधर से उधर उड़ रही थी और खुशी के मारे चहचहा रही थी। एंड फ्लावर वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फूल हरे हरे घासों को देखकर और हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। आई हैव बीन सो सेल्फिश, थॉट द जैंट। जैंट ने सोचा कि मैं बहुत ही स्वार्थी था, बहुत ही खुदगर्ज था। इवन द सीजन्स लव द चिल्ड्रेन, यहाँ तक कि मौसम भी बच्चों को प्यार करते हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू बी सेल्फिश एनीमोर, फिर उसने फैसला किया कि अब वो कभी स्वार्थी नहीं होगा, कभी खुदगर्ज नहीं होगा। ही वेंट इनसाइड द गार्डन क्वाइटली, फिर वो चुपचाप बहुत आहिस्ता से एकदम खामोशी से गार्डन में पहुंचा। लुकिंग द चिल्ड्रेन गॉट सो फ्राइटेंड दैट दे रैन अवे, फिर बच्चों ने जब उसको देखा तो इतना डर गए कि वहां से फिर भाग गए। द जेंट कॉल देम बैक एंड सेड, तो जेंट ने, राक्षस ने उन लोगों को वापस बुलाया और कहा, इट इज आवर गार्डन लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों ये हम लोगों का बागीचा है, मतलब कि ये हम सबका बागीचा है। He took an axe and knocked down the wall, और फिर एक कुल्हाड़ी लिया और सारे जो दीवार उसने बनाया था उसको तोड़ दिया। The children played all day long, और बच्चे सारा दिन खेलते रहे। Many years passed by, every day the giant watched the children playing in the garden. फिर कई सालों तक, कई साल बीत गए और बच्चों को खेलते हुए जैन रोज देखता था, देखता रहा, बच्चे वहां खेलते थे। One day he saw a boy standing, एक दिन उसने देखा कि एक लड़का खड़ा है। He was not able to climb up the tree, वो पेड़ पर चढ़ने लायक नहीं था, या चढ़ नहीं सकता था। The giant went to the little boy to help him up, तो जैन को दया आई, वो उसको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचा। As he did so, he saw the little boy had the print of two nails on the palm and prints on two nails on his feet. तो जैसे वो लड़के के पास पहुंचा तो उसके हाथ में देखा कि दो नाखून के निशान है, उसके हाथ में और पैरों में दो दो निशान पड़े हुए हैं नाखून के। The giant was furious, giant जो है बहुत गुस्सा में आ गया, बहुत ही गुस्से में लाल पीला हो गया। Who has dared to hurt you? cried the giant. फिर जैंट ने कहा कि किसकी हिम्मत हुई तुझे मारने की। The little boy said, these are the wounds of love. तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि ये प्यार के घाव है, ये प्यार का चोट है। I have come to take you to my garden to play, because you have let the children play in your garden. मैं तुमको अपने बागीचे में ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने अपने बागीचे में बच्चों को खेलने दिया, तो अब मैं तुमको अपने बागीचे में खेलने के लिए ले जाने आया हूँ। When the children came in that afternoon, जब उस दिन afternoon में, दोपहर में बच्चे आए, they found the giant lying dead under a tree, तो उन्होंने पाया कि giant दैत्य जो था या राक्षस जो था एक पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है, all covered with white blooms, और सफेद फूलों से पूरा ढका हुआ था। तो ये आपका लेसन हुआ, इससे सबक यह होता है कि मिलता है कि हमको एकदम से सेल्फिश या खुदगर्ज या स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई खुश होता है कोई, हमें उनको खुश रखना चाहिए। अगर हमारा कोई नुकसान नहीं है और कोई चीज़ कोई इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो हमें बिल्कुल खुदगर्ज नहीं होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। गो थ्रू वर्ड्स, चलिए ये वर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ मीनिंग है इसको आप। सेल्फिश, थिंकिंग ओनली ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। स्केर्ड, अफ्रेड, डरा हुआ। ट्रेस्पासर, दोज हु इंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के जाने के लिए, वो बोर्ड पे लिखा था ट्रेस्पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो बिना परमिशन के जो भी गार्डन में जाता उसको वो प्रोसिक्यूट करता, पनिश्ड करता, प्रोसिक्यूटेड, पनिश्ड। जैंट, वेरी ह्यूज मैन, बहुत बड़ा राक्षस दत्त जैसे महाकाय कहते हैं। ट्विटिंग, फ्लाइंग हैप्पीली एंड एक्साइटेड, ट्विटिंग विद डिलाइट, मतलब फ्लाइंग हैप्पीली एंड एक्साइटेड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द ट्रीज फॉरगॉट टू, क्या होगा, ब्लूज। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्रीज ट्विटरिंग विद डिलाइट। ही डिसाइडेड नॉट टू बी सेल्फिश एनीमोर। द जायंट बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड द गार्डन। द जायंट सॉ दैट द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल। डैश केम ऑल ओवर द कंट्री, स्प्रिंग केम ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ पे
द चिल्ड्रन ब्रोक द गेट ऑन द गार्डन एंड वेंट इनसाइड. नहीं, उन्होंने गेट को नहीं तोड़ा था. फॉल्स है. द सीजंस लव चिल्ड्रन. ये क्या है? तो ट्रू है. द जायंट हैज ए ब्यूटीफुल गार्डन. ये भी सही है. गॉड केम टू टेक अवे द जायंट. ये फॉल्स है. एक लड़का आया था जो गॉड का, हो सकता है कि ये हो, ये क्या कहते हैं, जो मलकुल मौत आप कहते हैं, या मौत का फरिश्ता हो. द जायंट वेटेड फॉर विंटर टू कम बट इट नेवर केम. नहीं, वो विंटर का इंतजार नहीं कर रहा था, वो समर का इंतजार कर रहा था, या दूसरे मौसम का. विंटर तो उसके बागीचे में था ही. तो ये फॉल्स है. द जायंट ब्रोक द वॉल विथ एन एक्स. जायंट ने दीवार को एक एक्स से तोड़ दिया था. ये भी सही है. तो इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आंसर में हम नहीं जाएंगे, उसको बाद में बताया जाएगा. व्हाट आर यू डूइंग देयर. ये किसने किससे कहा है? तो ये जायंट ने कहा है. ही इज टू सेल्फिश. ये ऑटम ने कहा अपने आप से. इवन द सीजंस लव चिल्ड्रन. ये किसने कहा? जायंट ने कहा चिल्ड्रन के बारे में. दीज आर द वूंड्स ऑफ लव. कौन कहा? द लिटिल बॉय. द लिटिल बॉय टू जायंट. Who has dared to hurt you? किसने कहा? तो जैंट ने लिटिल बॉय से कहा. यहाँ पे प्रिंटिंग है जैंट टू चिल्ड्रन नहीं होगा, जैंट टू लिटिल बॉय होगा. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है. अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. तो यहाँ पे आप करेक्ट वर्ड बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए. व्हाट इज द मैटर यू रियली सी. लुक, इसको मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ. आप वीडियो पॉज करके और बना लीजिएगा रेड करके. यहाँ लुक में आप अंडरलाइन कर लीजिए नीचे सी में. उसके बाद से दो नंबर में लैंड में कर लीजिए. तीन नंबर में बोरो. दो नंबर के सेकंड में. तीन नंबर में ब्रिंग. फिर टेक. फिर लिसन. फिर हियर. तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. यहाँ पे सिलेबल इज ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड विथ जस्ट वन वॉवेल साउंड. तो ऐसा वर्ड जिसमें एक वॉवेल साउंड हो उसे सिलेबल कहते हैं. सिलेबल इज ए वर्ड और ए पार्ट ऑफ ए वर्ड विद जस्ट वन वॉवेल साउंड. तो जिसमें एक वॉवेल साउंड हो उसे सिलेबल कहते हैं. इसमें जैसे कि नीचे आपको दिया है एफ ए आर ए एस ओ एफ टी ओ है, इसमें प्ले में है. तो इस सबको आप प्रैक्टिस करना है. मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे ही. अगर नहीं समझ में आता है वीडियो रोकिए और उसको दोबारा से देखिए. बैक सा दे. तो ये सारे वर्ड्स में एक एक वॉवेल साउंड है. These words have two syllables. इसमें जो नीचे words हैं इसमें दो syllables हैं. जैसे little, little में I और E है. Garden, A and E है. Children, I and E है. Around, furious. Little, garden, children, around, furious. तो यहाँ पे आप syllables देख सकते हैं. Here are some words with three syllables. यहाँ पे तीन सिलेबल्स हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टरनून ए ई और ओ है. कवर्ड सी ओ सी के बाद ओ है, फिर ई है और फिर एक ई है. ऑटम्ड ट्विटरिंग आफ्टरनून. कवर्ड ऑटम्ड ट्विटरिंग. तो इसमें आपको ऐसे साउंड में याद करना है. ऑफ Afternoon, covered, autumned, twittering. इसमें आपको थ्री syllables मिल रहे हैं सब में. तो वैसे ही आपको राइट हाउ मेनी syllables आर देयर इन ईच वर्ड. तो एक मैंने कर दिया है. मॉर्निंग में टू syllables है. तो ऐसे ही आपको सारे वर्ड्स में चेक करना है कितने हैं और सामने नंबर्स लिखना है. इसके साथ ही अब लेसन ये समाप्त होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए. बहुत जल्द आपको क्वेश्चन आंसर अब बनाया जाएगा क्योंकि लेसन अब 5 तक हम लोग पहुंच गए हैं. तो लगभग कोर्स कंप्लीट हो गया है इंग्लिश का.